हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आज के ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग मेरे दोस्तों। और आज मैं हूँ बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पे है, आप ये देख सकते हैं। और आज मैं जा रहा हूँ बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन से खजूरी। और खजूरी में मेरा एक दोस्त है वसीम भाई, और वहाँ से जुड़ी हुई मेरी एक दिलचस्प बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मैं आपको वसीम भाई से भी मिलवाता हूँ जाके। बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोस्त कम भाई ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे प्यारे इंसान हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कल जो है ना मेरे साथ एक ट्रेजडी हो गई। वो ये कि कल जो है ना मैंने अपनी माँ से जो है, अपनी अम्मी से मैंने बात किया, यानी हलचल लेने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो माँ है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, दो बच्चे हैं मेरे, तो मेरे भाई, यानी फैमिली जो है ना, यानी तकरीबन पूरी अभी दरभंगा में है। और दरभंगा में मैं आपको बता रखा हूँ कि दरभंगा भी मेरा जो है एक और होम टाउन है। मैं आपको ये भी बता रखा हूँ कि बल्लभगढ़ में मैं बचपन से रहता आया हूँ। तो ये जो है, और मेरे पापा जो है, मेरे अब्बा मेरे साथ रहते हैं। और आज मैं दिल्ली जा रहा था तो अब्बा को भी, अब्बा अकेले रह जाते तो फिर मुझसे जो है ना ये चीज़ देखा नहीं गया। मैंने कहा कि अब्बा चलिए और मेरे साथ चलिए आप, तो उनसे मैं मिलवाता हूँ मैं। और ट्रेजडी के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, ट्रेजडी ये हो गई मेरे साथ कि मैंने अम्मी से बात किया ना, तो हालचाल पूछा, और अम्मी ने कहा कि बेटा मैं तेरा सारा वीडियो देख रही हूँ, और जैसे तू कहता है ना कि सब्सक्राइब करने के लिए, मैं हर वीडियो भी सब्सक्राइब कर रही हूँ। मैं अजंबा रह गया। मैंने कहा हर वीडियो भी सब्सक्राइब कैसे हो सकता है अम्मी, लाइक हो सकता है, वीडियो पर लाइक करना है और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और अपनी वाइफ से बात कर ले। मैंने अपनी वाइफ से बात किया तो वाइफ ने भी कहा कि आप तो खुद तो कहते हो कि सब्सक्राइब करने के लिए, हर वीडियो पे कहते हो सब्सक्राइब करने के लिए। मैंने कहा कि नहीं, हर वीडियो को नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जो मेरे पुराने बंदे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं। जो मेरे चैनल पर जो नए बंदे, नए दोस्त आ रहे हैं मेरे, जो नए दोस्त आ रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और जो नए दोस्त हैं वो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, व्यू करते हैं, पर सब्सक्राइब कुछ दोस्त नहीं करते हैं, तो वो भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैं उनको इस तरीके से समझाया और मैंने कहा कि यार क्या कार्टून फैमिली है मेरी, तो ये चीज़ है। और चलिए तो मैं आपको अब्बा से मिलवाता हूँ और सफ़र का आगाज़ करते हैं आज। और ये दोस्तों ये मेट्रो स्टेशन है राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन है। और दोस्तों आप बने रहें वीडियो से, और वीडियो आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखने के साथ साथ जो है ना आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने अब्बा से आपको मिलवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो मैं अपने अब्बा से मिलवाता हूँ। ये जो है मेरे अब्बा हैं, और बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी का रोल जो हमें दे दिया, तो मैं इनको एक दे ही सकता हूँ। ये अकेले थे घर पे, तो इसलिए मैंने कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ। तो ठीक है दोस्तों, आपको कुछ कहना है आपका? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे फिर जब सफ़र जारी रहेगा तो फिर अब्बा से मैं बात करवाऊँगा आपके, क्योंकि अब्बा अभी हिचक रहे हैं बात करने में। बोलो कुछ। हाँ कुछ बोलिए। सब लड़का है, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत आलिम लड़का है। हाँ, इसका अब देखते रहे अभी भी, आगे बढ़ाते रहिए। हाँ मेहनत कर रहे हैं बेटा हमारे, बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं फिर आगे सफ़र में। भाई से मुलाकात हो नहीं पाया क्योंकि वसीम भाई कहीं, यानी कोई प्रॉब्लम हो गया था उनको, यानी
डीलर हैं वो, सही बताऊं तो मैं आपको, डीलर हैं और तो फिर ज़मीन को लेके कहीं पर यानी कि जो है यानी प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए जो है ना वो वहाँ पे बिजी हो गए, तो मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। और फिर कभी जो है उनके साथ जो है ना एक ब्लॉग बनाएंगे एक बढ़िया। तो फिर मुझे जो है ना ये जो इधर कश्मीरी गेट आया हूँ ना, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा मुझे जगह जो है ना यानी यूनिक सा लगा। मेट्रो स्टेशन है कश्मीरी गेट का, तो ये आप देख सकते हैं ये जो है ना कश्मीरी गेट का रेड लाइन मेट्रो स्टेशन, और ये जो है ना अंडरग्राउंड वाला मेट्रो स्टेशन है। तो फिर मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कश्मीरी गेट के अंदर का मेट्रो स्टेशन है। टोकन लगा के हम लोग अंदर आ गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है मेट्रो स्टेशन। और एक बात मैं बता दूँ भाइयों के, मेट्रो जो लाइन है ना जो बिछी हुई है जाल मेट्रो की, इसमें मैं कहता हूँ कि टनों का टन जो है ना लोगों ने दिमाग लगाया होगा, क्या दिमाग लगाया है मेट्रो वाले ने वाकई में इस तरीके से, और उससे ज़्यादा दिमाग जो है ना इसमें सफ़र करने वाले लगाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि इस तरीके से भूल भुलैया टाइप का अंदर से बना हुआ है ना, कि अच्छे अच्छे बंदे जो है ना अंदर यानी भटक रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही फैसिलिटी के साथ बहुत ही आसानी के साथ जो है ना पब्लिक को बहुत यानी आसान कर दिया, यानी कि हर रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया मेट्रो को, और अगर मेट्रो स्टेशन कहीं पर है तो चारों तरफ से जो है ना उसको कवर कर लिया बंदा, अगर यानी कहीं पे भी हो मेट्रो के आसपास, तो थोड़ी दूरी पर 500 मीटर के आसपास में या 200 से 250 मीटर के आसपास में, तो वो मेट्रो स्टेशन पे जो है ना वहाँ से सीधा जो है ना यानी पुल या पुल के सहारे या फिर मेट्रो के सुविधा के उससे जो है ना वो आ सकता है मेट्रो स्टेशन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो है ना सफ़र यहीं तक, और आज का एपिसोड आज का जो है सफ़र मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और फिर मिलेंगे नए सफ़र के साथ। बहुत ही अच्छा एक स्टोरी, बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपके लिए लाऊंगा फिर से, जब तक आप मेरा इंतज़ार करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अलविदा।